ंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखते हैं तीन शब्द पहला शब्द एक्सचेंज ऑफ फायर एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब हो गया जवाबी हमला जवाबी हमला एक्सचेंज ऑफ फायर विजय सिंह ए होम गार्ड जवान फेल टू बुलेट इन एन एक्सचेंज ऑफ फायर जवाबी हमला बिटवीन द विलेजर्स गुड इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सन मतलब दिस एरिया स्ट्रॉन्ग होल्ड माओइस्ट यह एरिया माओवादी के बहुत ज़बरदस्त एरिया है फीयर्स एक्सचेंज ऑफ फायर फियर एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब हो गया भयानक जवाबी हमला इस लाइन को आप बार बार पढ़िए इसका मतलब हो गया भयानक जवाबी हमला खूब जवाबी हमला उसके बाद है एक वर्ड विजिल विजिल monitor मतलब चौकसी निगरानी करना विजिल का मतलब मॉनिटर, चौकसी निगरानी कहते हैं ना मॉनिटर करना चौकसी करना निगरानी करना इस्टर्न निगरानी सॉरी एशन एसटैंड का मतलब टाइटली कड़ाई से कई बार ये शब्द आया है इस्टर्न मतलब टाइट कड़ाई, सख्ती विजिल मॉनिटरिंग सख्ती से मॉनिटरिंग करना गाइड करना इस्टर्न तो ये रहा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग ऑल द बेस्ट अंग्रेजी अखबार के शब्द में देखते हैं तीन शब्द कार्नेज पहला शब्द है कार्नेज स्लॉटर ऑफ द मेन द मास नंबर कार्नेज का मतलब हो गया लोगों को बड़ी संख्या में मारना वध कारनेज का मतलब हो गया नरसंहार आप इसको ऐसे समझिए हत्या पूरी जनसंख्या की हत्या करना कार्नेज कहलाता है स्लटर ऑफ मेन इन द मास नंबर वेन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किल टू अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड फॉर इज यूज अंडरस्टैंड किल फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर कार्नेज ए फेल्यूर ऑफ पुलिस गिल्टी उसके बाद मैसेकर सेम टाइप ऑफ वर्ड है मैसेकर भी स्लॉटर ऑफ ह्यूमन बीइंग कार्नेज और मैसेकर का एक ही मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है सामूहिक हत्या को कार्नेज भी कहते हैं मैसेकर मेनी केसेस ऑफ मैसेकर वे आर रिपोर्टेड जहानाबाद सामूहिक हत्या सामूहिक हत्या को कार्नेज भी कहते हैं और मैसेकर भी कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है तो ये रहा इन दोनों वर्ड को आप खूब याद कीजिए प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं Thank you, all the best.